मूल सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु देव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। राग आशा भजन 79 सुनो सर्व ही सजन। हमारे वचन कहूं दुसार रे। सर्व ही सजन हमारे वचन कहूं दुसार रे। एक आत्म का रूप पहचानो दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। मानुष तन का लक्ष्य यही है जानो अपना आप सदा। भेद भरम सब संसा मेटे कर गुर मंत्र जाप सदा। ब्रह्म रूप निज आत्म को लग हर ले तीनों ताप सदा। ओ ब्रह्मानंद में लीन करे मन जूठा तज अंकार रे। एक आत्म का रूप पहचानो दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। मानुष का यह मनुष्य बना है कर ले परोपकार सदा। भूखे को अन्न भोजन देना प्यासे को जल धार सदा। रोगी को कुछ औषधि देना अतिथि को सत्कार सदा। सब जीवों की सेव करे नित हर मैलक संसार रे। एक आत्म का रूप पहचानो दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। जन्म पाए निज आत्म का जन प्रत्यक्ष ना दीदार किया। दया युक्त हो जीव किसी का कबहु ना उपकार किया। दिक दिक ऐसे जीवन को है मानुष तन बेकार किया। खाना पीना वृथा तिनका भूमि पर वे भार रे। एक आत्म का रूप पहचानो दूजा कर सत्कार रे। आत्म का रूप पहचानो दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। कहे प्रेम है अब भी अवसर संत शरण में वास करो। ब्रह्म ज्ञान ले गुर पूरे से अवध्या सकल विनाश करो। देवी गुण का हृदय अंदर पूरण तुम प्रकाश करो। निष्कामी निर्मानी हो के सेवक करो सद्वार रे। एक आत्म का रूप पहचानो दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं, कहते संत हैं। राग आशा भजन 79 सुनो सर्व ही सजन। हमारे वचन कहूं दुसार रे। एक आत्म का रूप पहचानो दूजा कर उपकार रे। कहते संत हैं, ज्ञान जातम ज्ञान हो
यहो परोपकार तेऊं जिसमें ये नहीं मानुष सो बेकार। प्रेम प्रकाश ग्रंथ की दोहावली में गुरु महाराज जी ने यही बात बताई कि या तो ज्ञान को प्राप्त करके परम आनंद मुक्ति तत्व को प्राप्त करो और या फिर परोपकार करके अपने परलोक को सफल बनाओ। वही बात इस भजन में गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि आत्म रूप पहचानो और दूजा करो पुकार, दूसरों का भला करो, हित करो। मनुष्य तन का लक्ष्य यही है, जाने अपना आप सदा। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है अपने स्वरूप को जानना, भेद भ्रम संशय को दूर करके गुरु महाराज के द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करें। ब्रह्म रूप निज आत्म को लख हर ले तीनों ताप सदा। आदि व्याधि उपाधि त्रिताप की निवृत्ति गुरुदेव के नाम सुमरण के द्वारा अपने आत्म स्वरूप को जान करके करे। ब्रह्मानंद में लीन करे मन, झूठे अहंकार को छोड़ के, देह का अहंकार, संसार के पदार्थों का अहंकार ये मिथ्या है, उस मिथ्या अहंकार को त्याग के अपने ब्रह्म के आनंद में मगन हो जाए। मानुष का यह मनुष्यपना है, कर ले पर उपकार सदा। ईश्वर के द्वारा ये शरीर दिया गया, ईश्वर के द्वारा अन्य साधन भी प्राप्त हुए हैं, तो उन साधनों के द्वारा दूसरे का उपकार भला करना ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। जो भुभुक्षु भूखा है उसे अन्न देना, तृषित प्यासे को जल की धार देना, जल पिलाना, जो बीमार रोगी है उसे औषधि देना, घर आए हुए अतिथि का यथा योग्य सत्कार करना, सब जीवों की सेवा करना, क्योंकि सब में वो ईश्वर समाये हुए हैं, ये मनुष्य का परम कर्तव्य है। जिसने जन्म पाए निज आत्म का नित प्रत्यक्ष ना दीदार किया, जिसने मनुष्य शरीर को प्राप्त करके और ईश्वर का दीदार नहीं किया प्रत्यक्ष, दया युक्त हो जीव किसी का कबहू ना उपकार किया और कभी किसी का भला नहीं किया, मन में करुणा दया को धारण नहीं किया, धिक धिक ऐसे जीवन को, उसके जीवन को धिक्कार है, उसने अपने मनुष्य शरीर को व्यर्थ गंवा दिया। उसका संसार में रहना खाना पीना सब व्यर्थ है, वास्तव में वो भूमि पर भार के समान है जिसने दूसरे का भला उपकार नहीं किया। कहे टेहूं है अब भी अवसर, संत शरण में वास करो। अभी भी जो समय बचा है उसको सफल बनाओ, संत महापुरुषों की शरण लो, गुरुदेव के पावन चरणों में बैठ के ज्ञान की प्राप्ति करो, अज्ञान अविद्या अंधकार को दूर करो, सद्गुण दैवी गुण अपने हृदय में धारण करो और उन गुणों के प्रकाश में अपने दिव्य दीदार को प्राप्त करो। निष्कामी निर्मानी होके सेवा करो सदवार, सेवा करो लेकिन मन में कोई कामना न रहे और अहंकार मन में न रहे, इस प्रकार से सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाने की प्रेरणा इस पावन भजन में गुरु महाराज जी दे रहे हैं। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी, भर लजह में भाव जी रसवा रूहानी, वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी, अंग संग थे साणी
हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है कहीं पे सरल है
तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के, समझ के, मनन करके, उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।